नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। डी लाइव न्यूज आपसे आग्रह करता है कि इस वैश्विक महामारी में हमें प्रशासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना है। हमें चेहरे पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना है। और यह सारी चीजें आपको प्रतिदिन न्यूज चैनलों के माध्यम से भी बताई जा रही है, वहीं प्रशासन के द्वारा जन जागरूकता करके भी दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे सामने एक ऐसी स्कूल का वीडियो आया है जो अपने परिवार के साथ में तो खिलवाड़ कर ही रहा है, साथ ही अपने गांव के साथ अपने शहर के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ रुपयों की लालच ना करके हमें अपने परिवार, अपने शहर, अपने गांव को सुरक्षित रखने का संकल्प लेकर प्रशासन का सहयोग देना है। आज की हमारी खबर है आसेला गांव की प्राइवेट स्कूल रघुकुल पब्लिक स्कूल की, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर सरेआम उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की उस खबर की ओर। डूंगरपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर आसेला गांव में कोरोना वायरस महामारी को नजरअंदाज करते हुए रघुकुल प्राइवेट स्कूल के संचालक द्वारा छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। साथ ही बच्चों को डराया जा रहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, और माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो बच्चों को बच्चे रोने लगते हैं और जबरदस्ती डर के मारे स्कूल जाने की जिद करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्कूल संचालक के द्वारा कोरोना महामारी गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन तो किया ही जा रहा है, साथ ही बच्चों के साथ भी इस वैश्विक महामारी में खिलवाड़ हो रहा है। मैम, आपको मालूम है कि अभी कोरोना काल चल रहा है और सभी बच्चों की स्कूलें बंद है, फिर भी आपके द्वारा स्कूल चलाई जा रही है। लास्ट दिन ही है हमारा। हाँ, लास्ट दिन ही है। अगर किसी बच्चों को कोई पॉजिटिव हो गया, अगर कोरोना महामारी लग गई तो उसका जवाब कौन देगा? नहीं, कौन देगा बताएं आप? आप एक टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर भी आप इस तरह से गलत कर रहे हैं और प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आपको मालूम है हमेशा जन जागरूकता के काम कर रही है, फिर भी आप लापरवाही कर रहे हैं, इस बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है आपका? कौन है इसका जिम्मेदार? प्रशासन द्वारा समय समय पर मुस्तैदी के साथ जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी कुछ प्राइवेट स्कूल के संचालक अपनी कमाई को लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस लड़ाई में सबको साथ में रहकर प्रशासन का साथ देना है और वैश्विक महामारी में हमें प्रशासन की गाइडलाइन का सहयोग। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।